वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। जो हमारी किडनी होती है उसका जो फंक्शन जो होता है, जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है, उसकी फंक्शंस कौन रेगुलेट करता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम होता है जो हमारी किडनी को रेगुलेट करता है वो है रिनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये तीन एंजाइम्स होते हैं जो हमारे इस किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। तो जब ब्लड प्रेशर जो होता है और ब्लड वॉल्यूम जो होता है, जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होता है, जो आर्टेरियल एफरेंट आर्टेरियल होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, उनका जो स्ट्रेच होता है वो कम स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है ना। और जो जैक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं ये सिक्रेट करते हैं एंजाइम जिसका नाम होता है रिनिन। ये रिनिन कहाँ पे आएगा, हमारे ब्लड में आएगा। तो ये जो जैक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होती हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा जो बोमेनस कैप्सूल जो होता है, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ये हमारा एफरेंट आर्टेरियल होता है, तो यहाँ इसके साइड में कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं जैक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो यही सेल्स जो होते हैं ये कौन सा एंजाइम सिक्रेट करते हैं, रिनिन, ठीक है ना। तो रिनिन जो होता है इसका काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है, यहाँ पे ये कन्वर्ट आएगा, इसमें ये कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनो टेनोसिन। ये एंजाइम जो होता है, ये वाला एंजाइम जो होता है ये हमारे लीवर से निकलता है एंजियोटेंसिनोजिन में, तो इसको कन्वर्ट करेगा ये रिनिन दो फॉर्म्स में, एक होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट और दूसरा जो होता है वो एंजियोटेंसिन सेकंड। ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये इसका क्या इसी का फंक्शन होता है, यही इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारी रिनल फिजियोलॉजी होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये क्या करता है रिनल फिजियोलॉजी में, एक फंक्शन जो होता है इसका, ये डिक्रीज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो हमने पढ़ा है, तो वो ग्लोमेरुलर GFR जो होता है उसको डिक्रीज करेगा। वो किस तरीके से डिक्रीज करेगा, ये वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा एफरेंट आर्टेरियल्स को, क्योंकि ये जो एफरेंट आर्टेरियल्स जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो इनका जो उसको क्या बोलते हैं, वैसो कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, उससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, इस एंजियोटेंसिन जो होता है इसका सेकंड जो होता है इसका क्या फंक्शन होता है, ये एनहेंस करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। कहाँ पे ये एनहेंस करता है सोडियम और वाटर को, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये दो फंक्शन नजर आते हैं। तीसरा इसका क्या फंक्शन है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को। तो जब ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एल्ड्रास्टोन। तो ये एल्ड्रास्टोन क्या काम करेगा, फिर ये स्टिमुलेट करेगा प्रिंसिपल सेल्स जो हमने पढ़ा है, जो DCT होता है और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, वहाँ पे एक तरह के सेल्स होते हैं जो हमने इसके फंक्शनल लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी करे हैं। तो ये एल्ड्रास्टोन क्या करेगा, ये इन प्रिंसिपल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और जो कहाँ ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, इन कलेक्टिंग डक्ट से इसे फिर क्या हो जाएगा, ये जो सोडियम जो होता है और पोटेशियम जो होता है इसका जो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, इसका ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा सोडियम का, और पोटेशियम जो होता है वो सिक्रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रिनिन जो होता है ये तीन मेन फंक्शन हो करता है हमारी रिनल फिजियोलॉजी में। इसके बाद एक और रेगुलेशन होते हैं किडनी के फंक्शन में, वो होता है ADH। ADH का मतलब क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, या इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। इसका ये कहाँ, जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा,
वहाँ से ये बनता है, सिक्रेट होता है। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, उसके दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये स्टोर होता है ATH, ज़रूरत के टाइम पे ये वहाँ से रिलीज हो जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये वाटर रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प कर देता है, ठीक है ना। अगर वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर वाटर को लॉस होने से हमारा जो ADH जो होता है उसको प्रिवेंट करता है। किस तरीके से, क्योंकि ये वाटर रीअब्सॉर्प्शन जो होता है उसको वाटर रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प कर देता है। किस तरीके से, जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं उनमें क्या करता है, उनमें वाटर परमिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है जो ब्लड वॉल्यूम जो होता है और BP जो होता है ये इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज मतलब जो हमारी ब्लड वॉल्यूम होता है और BP जो होता है ये इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल सेल्स जो होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, इनमें पानी ज़्यादा आता है, इनका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे BP भी इंक्रीज हो जाता है। अगर सपोज ADH जो होते हैं इसके लेवल जो होते हैं कम हो जाएगी, तो जो प्रिंसिपल सेल्स जो होती हैं उनमें क्या होते हैं, परमेबिलिटी होती है वाटर की, वो डिक्रीज हो जाती हैं। तो जब वो परमेबिलिटी ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाती हैं, तो हमारे यूरिन में ज़्यादा मतलब यूरिन ज़्यादा हो जाएगा, हमारी बॉडी से हमारी ऑर्गेनों से वाटर ज़्यादा निकलेगा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर लॉस हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ना, ये ADH जो होता है ये हमें वाटर लॉस से बचाता है। जो ऑस्मोटिक रिसेप्टर जो होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो किसके रिसेप्ट ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और इंटेस्टिशियल फ्लूइड जो होता है जब ये इंक्रीज हो जाता है, तो इससे क्या होता है, इसे जो ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं हाइपोथैलेमस में वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। सपोज हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई चेंज हो जाएगा, इंक्रीज है डिक्रीज हो जाएगा, तो वो जो चेंज जो होती है उसको डिटेक्ट कौन करेगा, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये ADH ज़्यादा इंक्रीज मतलब सिक्रीट करेगा, और इस तरीके से जो प्रिंसिपल सेल्स जो होते हैं उनमें वाटर जो होता है, वाटर ज़्यादा परमेबिलिटी बढ़ेगी इनमें, इस तरीके से जो हमारा वाटर लॉस होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। सपोज अगर हमारे दिमाग से हमारे हाइपोथैलेमस से ADH नहीं बनेगा, तो उससे क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पे क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, लगभग 20 लीटर यूरिन हमारे बॉडी से निकलता है पर डे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है वो ADH को नहीं सिक्रेट करता है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी से यूरिन बहुत निकलता है और डिहाइड्रेशन होती है, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने की, ये होता है आर्टेरियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं ANP, ठीक है ना। तो जैसे इंक्रीज हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वाटर चला जाएगा हमारे प्रिंसिपल सेल्स में, और उससे क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज से क्या होता है, ANP जो होते हैं हमारे आर्टरिया मतलब ये जो आर्टरिया मतलब हार्ट के जो आर्टरिया आर्टरियम जो होते हैं आर्टरिया जो होती है वहाँ से ये प्रोटीन जो होता है ये वहाँ से निकलेगा। तो फिर ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या होता है, ये इनहिबिट करेगा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। तो इससे क्या होता है, जब रीअब्सॉर्प्शन हमारे सेल्स में वाटर और सोडियम जो होता है वो नहीं आ पाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जो होता है मतलब जब वाटर ही नहीं आ पाएगा उसको रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जो होता है और BP जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने में।
जैसे जो नॉर्मल मतलब हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है, अगर वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाएगा, वो लो लेवल जो होते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल की, वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा हमारे पैराथायराइड ग्लैंड को, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो उससे क्या हो जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट करेगा, और वो क्या करेगा, ये जो कैल्शियम लॉस हुआ था उसकी रीअब्जॉर्प्शन करेगा फिर से हमारे ब्लड में। तो इस तरीके से तीन मोटे तौर पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमारी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।